मैं दिल्ली में था, ग्रीन पार्क में, अभी भी हैं मुनि अमित सागर जी महाराज, ग्रीन पार्क में उनका चतुर्मास था। मालूम है, उनके प्रवचन को सुनते सुनते एक दादाजी के मन में वैराग्य पैदा हो गया। उन्होंने जाकर के महाराज से कहा कि मुझे दीक्षा दो। महाराज ने कहा कि पहले पूछ लो घर में परिवार में, क्या पूछना, जाके सलाह ले लो। गए घर में, बच्चों को बुलाया, बेटी को बुलाया, बेटे को बुलाया, पत्नी को बुलाया, मैं दीक्षा ले रहा हूँ। पत्नी रोई, बेटा रोए, बच्चे रोए, नहीं नहीं दीक्षा नहीं, दीक्षा नहीं। तो उसने अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता था, उसने बिठाया अपने पास बूढ़े में, ग्रीन पार्क दिल्ली में। उसने कहा एक बात बता, मेरी उम्र कितनी हो गई? बोले 60 साल। तेरी मेरी शादी की उम्र कितनी हो गई? बोले 40 साल। 20 साल मैंने माता पिता को दिए, 40 साल मैंने तुझे दिए। बोल तेरे चीज में कोई कमी रखी? बोले कुछ भी नहीं। तो बोले 40 साल, मेरी मान लो उम्र 80-90 साल है, 100 साल की तो गारंटी नहीं है। बोल मैंने जिंदगी का सबसे ज्यादा हिस्सा, सबसे ज्यादा समय किसे दिया? तुझे दिया ना। जब तुझे जिंदगी का सबसे बड़ा समय दिया है, इतना बड़ा अंतराल जीवन का दिया है, तो मैं आज तुझसे भीख मांगता हूं कि मुझे मेरी जिंदगी के कुछ समय वापस लौटा दे, मेरा जीवन मुझे वापस लौटा दे। मैंने कोई अन्याय नहीं किया है, मैंने कुछ गलत काम नहीं किया है, मैंने कोई अपराध नहीं किया है। इतना लंबा समय दिया, इतना लंबा समय कौन देता है? मैंने सब कुछ तो तुझे दे दिया, अब किस बात के लिए अन्याय बोल रही है, किस बात के लिए बोल रही है कि तू गलत है? कुछ समय तो मुझे दे। मालूम है, समय दिया, पत्नी के पास उत्तर नहीं था। जैसे ही आया महाराज के पास, दीक्षा ली, मालूम है 5-6 साल, और उसके बाद वह समाधि करके देवलोक को प्राप्त हो जाया करते हैं। ध्यान रखते हैं, समाधि के समय वो संत कहता है कि महाराज आंखों में आंसू, ये जो 65 साल का जीवन जिया, मेरे लिए 5 साल ही मिले, संसार के लिए 60 साल दिए मैंने, मेरे लिए क्या मिला? ये तो मेरे घाटे का सौदा हो गया। लेकिन संत ने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बाल्टी यदि रस्सी से बंधी है, 100 हाथ गहरी है ना कुआं, एक हाथ की रस्सी पकड़ो और बाल्टी फेंक दो ना, तो एक हाथ की रस्सी पकड़ के रखो तो डूबी हुई बाल्टी फिर वापस निकल आया करती है, लेकिन एक हाथ की रस्सी छूट गई तो फिर बाल्टी वापस नहीं आती है। संत ने कहा कि देख बात ध्यान रखो कि एक हाथ की रस्सी तुमने बचा ली ना, अब जो 60 साल डूबे हैं रस्सी से, बाल्टी फिर वापस लौट करके ऊपर आ जाएगी, जीवन हमारा फिर धन्य। धरे हृदय संतोष, करहूं तपस्या देह सो। अपनी जिंदगी के लिए, अपने लिए समय मांगना कोई अन्याय की बात है क्या? बोलिए, क्या अनुचित है, क्या अव्यवहारिक है? झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में मुरझाए। वो हमारे BSNL के रवि सोचेंगे, अभी बताएंगे कोरोना में फाइल निपट गई तो फिर क्या कर लोगे? सोचते ही रह जाओगे, हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके, रात बात में गई और प्रात खात में गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। हाथ थे मिले कि जुल्फ चांद की संवार दूं, पैर थे मिले कि स्वर्ग धरती पे उतार दूं, जब तलक कदम उठे जिंदगी फिसल गई, और हम खड़े खड़े गुवार देखते रहे, हाय कुछ न कर सके, न पीर पर की हर सके, रात बात में गई प्रात खात में गया, फिर हमारी जिंदगी से एक दिन निकल गया। ध्यान रखना, आंख खुली तब देखा हमने,
खेत पे रेत ही रेत की चुड़िया चुग गई सारा खेत, सारी तो चुग गई, बाल दो चार बचे, चिड़िया चुग गई। विचार करिए, उनको टारगेट मत बनाओ, अपना अपना देखो। हम भी वही हैं, हमारा जीवन भी वैसे ही है। दूसरों का बच्चा दीक्षा लेना तो बड़े ढोल बजाते हो, नाचते हो, कूदते हो, तालियां, अपना निकलेगा ना तब पता पड़ेगा। हर कोई सोचता है भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में होना चाहिए। अपने घर में तो वो लल्लू राम ही अच्छा है जो छाती से लिपटा रहे, ध्यान रखना। विचार करना है आपको, सोचना, जीवन को सार्थक करो। जीवन खत्म हो रहा है, प्रतिपल, पल भर का भरोसा नहीं, क्षण भर का भरोसा नहीं। किसका है? ऐसा लग रहा मालूम है, युधिष्ठिर के पास कोई दान मांगने आया। युधिष्ठिर ने कहा कल दूंगा, जैसे ही अर्जुन ने सुना कल दूंगा, नगर बधाई बंधवा दी, डोड़ी पिटवा दी, ढोल वाला बुला दिया, जाओ जाओ जाओ। बोले क्यों? बोले युधिष्ठिर काल विजेता हो गया। काल विजेता? युधिष्ठिर ने कहा अर्जुन ये क्या बकवास है, पूरे हस्तिनापुर में तुम हमारा प्रचार प्रसार कर रहे हो, युधिष्ठिर काल विजेता हो गया, युधिष्ठिर काल विजेता। अर्जुन ने कहा हो गए आप काल विजेता। बोले क्यों? बोले आपने दान में बोला है ना कि कल देंगे, तो तुमने कल को जीत लिया क्या? कल का कोई भरोसा है क्या? कैसे कह दिया कल देंगे? जो करना है वो आज करो। युधिष्ठिर तुम्हारी बातों से धर्मराज कहलाते हो और इतना भी नहीं जानते कि दान कल देंगे। अरे काल करे सो आज करो, राज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। किस काल की बात करते हो? ये बैठी हैं देवियां दीक्षा लेंगे, अरे कब लोगे भाई? विचार करो, जब शरीर जवाब दे देगा, जब शरीर हिलने लगेगा, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। ध्यान रखना, जो करना, इतनी अकल तुम्हारे जैसी हमको क्यों नहीं आई कि हम भी ले लेंगे जब लेना है। या तो झटपट हुआ और खटपट मोक्ष मार्ग पे, सोचने से कुछ नहीं होता। और चीजों में सोचो, इसमें क्या सोचना, ये तो अच्छा मार्ग है, राजमार्ग है, जिनेंद्र का मार्ग है, सुचिता का मार्ग है, पवित्रता का मार्ग है। ज्यादा सोचने से विचार पस्त पड़ जाते हैं, हौसले पस्त हो जाते हैं। जिसको करना है तुरंत करता। अभी प्रसन्न सागर जी महाराज के सम्मेत शिखर में जानते हो, दो भाई दीक्षा लेने गए, भाई भाभी, और दूसरा जोड़ा देखने गया था, दीक्षा कराने गया था भैया का कि मेरे भाई भाभी की दीक्षा हो रही है। महाराज से प्रेरित हुए, देखने आए थे और दीक्षा लेकर बैठ गए, उनकी भी दीक्षा हो गई, वहीं बैठ गए, कल्याण कर लिया। अब घर क्या जाना? जब भाई भाभी चले गए, राम सीता चले गए, तब भरत को घर में रहने की कोई जरूरत नहीं, दीक्षा ले ली। बात बात में दीक्षा हो गई, ध्यान रखना, बात बात में ही तो हो जाती, बात बात में बात है। ज्यो केले के पात में, पात पात में पात, त्यों ज्ञानी की बात में और बात बात में बात हो जाया करती है। क्या देखना बाकी है? दिल है कि मानता नहीं, क्या देखना है, क्या बचा है? अपना जरा जन्म प्रमाण पत्र देखो, अपनी कुंडली देखो उठा करके, कितने वर्ष हो गए, बोलिए, कितने जन्म गवा चुका ममता के बीच में, कितने कफन बदलते गया राग द्वेष में, अब तो दफन हो कामना वरदान ये मिले, आया हूँ तेरे दर पे प्रभु ध्यान के लिए, कर्मों की बेड़ियाँ कटे वरदान ये मिले,
कर्मों की बेड़िया कटे वरदान मिले। कितने स्वप्न जगा के जीते हो, सामान्य 100 वर्ष का पल की खबर नहीं। देखेंगे, करेंगे, सोचते हैं, विचार करते हैं। ये मानो कि भगवान ने बोनस का जीवन दे दिया। कोरोना में कितने चले गए, उठी नहीं पाए, दुनिया से विदा हो गए। एहसान मानो उस परमात्मा का कि उसने तुम्हें बोनस की जिंदगी प्रदान कर दी है, वरना यहां बैठकर पर्यूषण पर्व नहीं मना। वो कहां जाते, कोई भरोसा नहीं है, ध्यान रखना। इसका मतलब है परमात्मा चाहता है कि तुम संत की मौत मरो। आगे का सेंटेंस आप जानो, उसकी मौत मत मरो, जॉनी जूली की। समझ में आ रहा है, विचार करना है आपको। जिंदगी को सार्थक करो, सफल करो। सुचिता का पर्व है, मन की शुद्धि करो, मन को पवित्र बनाओ, मन से राग देश को मिटाओ, जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। समय हो रहा है, क्या करें महाराज, उल्टे घड़े हैं, है ना। कितना भी नल खोल दो, चिकने घड़े हैं, पानी आता है और बाजू से थोड़ा थोड़ा तो गीला हो रहा है, लेकिन भर नहीं रहा है। क्यों? घड़ा चिकना है, घड़ा उल्टा है। एक बात याद रखो, इन पर्युषण पर्व पे कुछ नहीं करना, कोई बड़ी बात नहीं करना। जो उल्टा घड़ा है ना, उसको सीधा कर लो। सीधा हो गया तो लबालब अमृत से भर जाएगा, जीवन धन्यता को प्राप्त हो जाएगा। उल्टे खड़े को सीधा कर लो, कुछ नहीं करना। ये उल्टा मन है जो संसार की तरफ भागता है, उसको थोड़ा सा सीधा कर लो घड़े को। वक्त का इंतजार मत करो, समय ने किसी को मौका नहीं दिया है। वरना लोग क्या क्या सपने देख रहे थे। रावण ने भी तुम्हारी तरह सोचा था कि स्वर्ग की सीढ़ियां बना दूंगा, यहां से स्वर्ग जाने के लिए लोगों को मरना नहीं पड़ेगा। सीढ़ियां बनाने का स्वप्न देखा था।